लागू मास्टर प्लान के मुताबिक प्रदेश के शहरी लोगों को पार्क, ओपन स्पेस, खेल का मैदान, स्टेडियम, हरित क्षेत्र सहित विभिन्न जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। इस फैसले से इन सुविधाओं के लिए भूमि मुहैया करना निकायों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। किसी भी शहर का मास्टर प्लान 15 से 25 साल तक के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इस मास्टर प्लान में पार्क, ओपन स्पेस, खेल का मैदान, स्टेडियम, हरित क्षेत्र, सरकारी कार्यालय आदि जन सुविधाओं के लिए स्थान चिन्हित करते हुए उपयोग तय किए जाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों का अनुभव ये बताता है कि इस प्रकार की जन सुविधाएं केवल कागजी ही साबित होती है। मौके पर संबंधित निकाय इन्हें विकसित नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यही होता है कि जिन भूमि पर इन सुविधाओं के लिए उपयोग निर्धारित किया जाता है वो भूमि निजी स्वामित्व की होती है। भूमि मालिक मास्टर प्लान में इसके लिए लैंड यूज चेंज कराकर अपने मुताबिक अपनी जमीन का लैंड यूज चेंज करा लेता है। गुलाब कोठारी के मामले में हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच के 12 जनवरी 2017 के आदेश में इस प्रकार की सुविधाओं के लिए चिन्हित भूमि के लैंड यूज चेंज पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इसके बाद भी दिक्कत यही कायम रही कि निजी भूमि जिसका भू उपयोग मास्टर प्लान में कोई जन सुविधा है तो उसके अधिग्रहण के लिए निकायों को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी और अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे से भी भूमि मालिक अपनी जमीन देने के लिए खास उत्साहित नहीं रहते। इसी समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार रीएडजस्टमेंट ऑफ लैंड का नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है। इस बारे में टाउनशिप नीति में प्रावधान शामिल करना प्रस्तावित है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस नए प्रावधान के मुताबिक किस जन सुविधा के लिए जमीन देने पर जमीन मालिक को खुद के उपयोग के लिए कितनी जमीन मिलेगी और उसकी प्लानिंग किस तरह से की जाएगी। रिक्रिएशनल लैंड यूज जिसमें पार्क, ओपन स्पेस, प्लेग्राउंड, स्टेडियम व हरित क्षेत्र शामिल है और पब्लिक, सेमी पब्लिक, पर्यटन सुविधा, पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी, अदर कम्युनिटी फैसिलिटी, सरकारी, अर्ध सरकारी और परिवहन लैंड यूज के लिए स्कीम बनाई जाएगी। ये स्कीम उस पूरी भूमि पर बनाई जाएगी जितनी भूमि मास्टर प्लान में उस लैंड यूज के लिए प्रस्तावित है। 10 हेक्टेयर से बड़ी स्कीम के लिए स्कीम एरिया में शामिल निजी भूमि से जमीन मालिकों को अपनी न्यूनतम 40% भूमि संबंधित निकाय को पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। अधिकतम 40% भूमि का उपयोग जमीन मालिक अपनी इच्छा अनुसार कमर्शियल, मिक्स लैंड यूज, रेजिडेंशियल या इंस्टीट्यूशनल कर सकेंगे। 15% भूमि निकाय की होगी जिसे निकाय कमर्शियल, मिक्स रेजिडेंशियल या इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए आवंटित कर सकेंगे या उसका पहचान कर सकेंगे। 5% भूमि पब्लिक यूटिलिटी और अदर कम्युनिटी फैसिलिटी के लिए होगी जिसे संबंधित निकाय विकसित करेगा। इस नए प्रावधान के तहत 10 हेक्टेयर भूमि तक की स्कीम भी क्रियान्वित की जा सकेगी। इसकी प्लानिंग के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न जन सुविधाओं के लिए 10 हेक्टेयर तक की स्कीम के लिए स्कीम एरिया में शामिल निजी भूमि में से जमीन मालिकों को अपनी 50% न्यूनतम भूमि संबंधित निकाय को पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। अधिकतम 40% भूमि का उपयोग जमीन मालिक अपनी इच्छा अनुसार कमर्शियल, मिक्स लैंड यूज, रेजिडेंशियल या इंस्टीट्यूशनल कर सकेंगे। अधिकतम 10% भूमि निकाय की होगी जिसे निकाय कमर्शियल, मिक्स रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, पब्लिक यूटिलिटी या अदर कम्युनिटी फैसिलिटी यूज के लिए आवंटित कर सकेंगे या उसका पहचान कर सकेंगे। प्रदेश में लागू टाउनशिप नीति में शामिल किए जाने वाले रीएडजस्टमेंट ऑफ लैंड के नए प्रावधान में रुचि बढ़ाने के लिए निजी भूमि मालिकों को कई प्रकार की रियायतें प्रस्तावित की गई है। जमीन मालिकों के लिए ये नया प्रावधान यूं है आकर्षक। जमीन मालिकों को जो उनका हिस्सा मिलेगा उसमें उन्हें टाउनशिप नीति के तहत अलग से सुविधा क्षेत्र के लिए भूमि छोड़ना जरूरी नहीं होगा, लेकिन इस जमीन में वे चाहेंगे तो आवश्यकता अनुसार सड़कें प्रस्तावित कर सकेंगे। जमीन मालिकों को अपनी कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के लिए भूमि रूपांतरण शुल्क नहीं देना होगा, बाहरी विकास शुल्क भी नहीं देना होगा। संबंधित विकासकर्ता चाहेगा तो उसे ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की सुविधा मिल सकेगी। अगर विकासकर्ता या जमीन मालिक स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मुताबिक निकाय को समर्पित करने वाली भूमि पर पार्क विकसित करता है अथवा फैसिलिटी एरिया के लिए कोई बिल्डिंग बनाता है, साथ ही स्कीम एरिया में निर्धारित विकास कार्य पूरा करता है, तो इन दोनों शर्तों को पूरा करने के बाद विकासकर्ता को उसकी मिलने वाली भूमि की 20% तक की भूमि निकाय दे सकेंगे। रीएडजस्टमेंट ऑफ लैंड के इस नए प्रावधान में वाटर बॉडी और राष्ट्रीय राजमार्ग की परिधि में प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट शामिल नहीं की गई है। इसका मतलब ये प्रावधान मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के लिए प्रस्तावित भूमि पर लागू नहीं होगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की ओर से प्रावधान को लागू करने के संबंध में हरी झंडी मिलने के बाद नगरीय विकास विभाग और स्वास्थ्य शासन विभाग ने इसका प्रारूप जारी कर दिया है। प्रारूप जारी कर 15 दिन में लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।